चलो जी, ये अब हमने हल्दी भी डाल दी है और मिर्च भी डाल दी है और थोड़ा सा हमने ये डाल दिया है इसके अंदर मैदा। अब ये डालने लगे हैं इसमें नमक, हसबे जायका आपने नमक इस्तेमाल कर लेना है। और अब इसमें कनौर चिकन का हमने पेस्ट डालना है थोड़ा सा, और ये हमारा आप थोड़ा सा पानी भी डालेंगे साथ में, और ये तैयार हो जाएगा इसका। ये देखें नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये जो हमने बनाया है इसका मैदे का ये जो पानी, इसमें डालना है आपने सबसे पहले। तो उसके बाद इसको लगाकर आपने सूखे मैदे में डालना है ताकि इसके ऊपर क्रम्प्स बनना शुरू हो जाएं। तो ये आप देखें, ये इसके ऊपर क्रम्प्स बन रहे हैं और कुछ के क्रम्प्स बन गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये कितने बड़े बड़े क्रम्प्स, क्रिस्पी मज़ेदार। ये देखें, ये आपके सामने बने हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ, इतने प्यारे क्रम्प्स आप देख सकते हैं। ये देखें, तो चलते हैं अब इसे इसमें फ्राई करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। ये हमने बिल्कुल स्लो स्लो जो है ना आंच पे हमने इसे पकाना है। और ये देखें, अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है ना फिर हम इसे बनाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हमने इसमें डाल दिया है और ये देखें, इनको ना बहुत ही हल्की सी आंच पे इन्हें पकने देना है। और कुछ देर बाद आप देखेंगे ये बहुत ही प्यारे इन पर क्रम्प्स भी बनेंगे और मज़ेदार चिप्स। ओ खैर, अभी सारा लग जाना था इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी ज्यादा है माशाल्लाह। ये देखिए रेडिश होना शुरू भी हो गए हैं। या आपने इसे हल्की आंच पर पकने देना है। ये देखिए थोड़े थोड़े इतने रेडिश होना शुरू हो गए हैं। जब ये थोड़े थोड़े रेड हो जाएंगे तो और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी लगेंगे। ये देखें माशाल्लाह, कितने ही प्यारे और क्रिस्पी ये देखें फिंगर चिप्स बनी है। ये देखें जी, ये बन गए हैं तकरीबन क्रम्प्स, बहुत ही प्यारी है देखें माशाल्लाह। ये इसमें डाल रहे हैं अब,
ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे क्रम्स आए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें ये लें जी, अब हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। देखें कितने बड़े बड़े क्रम्स बने हैं और बहुत ही प्यारे सॉफ्ट लजीजा बहुत मजेदार। बताओ मम्मा को मजा आया? मजा आया?